निक्की और एक बार फिर स्वागत है आपका निक्की किचन में। तो आज हम बनाएंगे राइस फ्लावर रोटी, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया 1 बोल राइस फ्लावर, 1 बोल वाटर, 1/4 टेबल स्पून सॉल्ट। और अब हम सबसे पहले वाटर को बॉइल कर लें। तो यहाँ पे मैंने वाटर को बॉइल करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे वाटर बॉइल हो रहा है, अब इसमें सॉल्ट को डाल देंगे और अब राइस फ्लावर को भी डाल देंगे। और अब हम गैस का फ्लेम कम कर देंगे और इसे मिक्स करें। मिक्स करने के टाइम अगर आपको पानी कम लगे तो गर्म पानी का यूज करें। और अब ये मिक्स हो चुका है, हम गैस को बंद कर देंगे। अब इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख दें। और अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसका डो बना लें। और अब हम इसे बेलेंगे। इस तरीके से बेल लेंगे और अब हम इसे सेकेंगे। तो यहाँ पे मैंने तवा को गरम कर लिया और इसमें रोटी को डाल देंगे और 20 सेकेंड्स के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। और अब 20 सेकेंड्स हो चुके हैं, हम इसे पलट लेंगे। आप देख सकते हैं रोटी जो बहुत अच्छे से फूल गई तवे पे ही।